हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जन्म के समय बच्चे का रंग गोरा होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका रंग थोड़ा सा सांवला होने लग जाता है। तो ऐसे में माता पिता अपने बच्चे के स्किन पर तरह तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लग जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आज जो मैं आपको होम रेमेडी बताने वाली हूँ, इसके कोई भी साइड डिफेक्ट नहीं होंगे और इसके इस्तेमाल से बच्चे का रंग गोरा और स्किन चमकदार बनने लग जाएगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो इस क्रीम को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करने वाले हैं एलोवेरा जेल। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके लगातार इस्तेमाल से रंग गोरा बनता है और स्किन चमकदार बनने लग जाती है, और इसे अप्लाई करने के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। एलोवेरा जेल में विटामिन सी और विटामिन ई, साथ ही में बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए इसमें एंटी एंजल गुण होते हैं। साथ ही में ये स्किन के दाग धब्बों को मिटाने के साथ साथ स्किन में रंगत लाने में भी काफ़ी मदद करता है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। एलोवेरा जेल में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और इसे स्किन पर लगाने में काफ़ी लाभ होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, एक चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल हम इस बाउल में डाल लेंगे। तो इसी के साथ जो दूसरी चीज़ हम ऐड करने वाले हैं इसमें दोस्तों, वो है क्रीम। तो मैंने यहाँ पर बेबी लोशन क्रीम ली है। ये देखिए, आप किसी भी ब्रांड के, जो भी आप बच्चे के स्किन पर अप्लाई करते हो उस ब्रांड की आप बेबी लोशन क्रीम ले सकते हैं। तो एक छोटे चम्मच के लगभग बेबी लोशन क्रीम हम बाउल में डाल देंगे। तो जितना एलोवेरा जेल लिया है उतनी ही हमें बेबी लोशन क्रीम लेनी है। तो ये देखिए, मैंने इसे बाउल में डाल दिया है। इसी के साथ जो तीसरी चीज़ हम इसमें ऐड करने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है रंग को निखारने के लिए। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं बादाम का तेल। आप बादाम के तेल की जगह पर नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 से 5 बूंद बादाम का तेल हम बाउल में डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे बाउल में डाल दिया है, और अब सभी सामग्री को एक चम्मच की हेल्प से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी घरेलू उपाय है रंग निखारने के लिए। और इसकी खास बात ये है दोस्तों कि इसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे अपने स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इसे लगाने से बच्चों का रंग निखरने लग जाएगा। और आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखना चाहें तो इसे आप 2 से 3 दिनों के लिए बनाकर रख सकते हैं, और आप इसे बच्चे की स्किन पर किसी भी टाइम पर लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे नहलाने के बाद ही बच्चों की स्किन पर लगाएं। आप इसे सुबह लगा सकते हैं, रात को सुलाने से पहले भी आप बच्चों की स्किन पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे बच्चे के चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर और गर्दन पर भी आप इसे लगा सकते हैं। यकीन मानिए, इसके लगातार इस्तेमाल से बच्चे का रंग निखरने लग जाएगा और स्किन एकदम चमकदार बन जाएगी। तो आप इस तरह से बहुत ही कम बजट में क्रीम घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे बच्चे की स्किन पर कैसे अप्लाई करना है। तो ये देखिए, थोड़ी थोड़ी सी क्रीम इस तरह से लेते हुए आप इसे बच्चों की स्किन पर, चेहरे पर, गर्दन पर, हाथ पैरों पर आप इसे स्मूदली इस तरह से आप इसे मसाज कर सकते हैं। आप इसे सुबह के समय लगा सकते हैं, दोपहर में लगा सकते हैं, रात को सुलाने से पहले भी आप इसे बच्चों की स्किन पर लगा सकते हैं। साथ ही बड़े भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कम बजट में और आसानी से ये क्रीम घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगी। और आपने देखा ना, इसे बनाने में हमें कोई ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। घर पर रखे ही सामान से हम इस तरह से ये क्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। ये देखिए, इस तरह से बच्चे की स्किन चमकदार बन जाएगी। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और कैसी लगी आपको आज की होम रेमेडी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई और हेल्दी होम रेमेडीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई हेल्दी होम रेमेडी के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।